हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देख लेते हैं बंधन बैंक के स्टॉक को। स्टॉक के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 199.57 इसकी करंट प्राइस चल रही है। देखिए दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे स्टॉक आके कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 192 से लेके ऑलमोस्ट 198 का एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि स्टॉक में इसी लेवल से मल्टीपल टाइम पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल चुका है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी अगर स्टॉक फॉल भी होता है तो यहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक में और भी फर्दर यहीं से अपसाइड में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो 210 से लेके 214 के लेवल्स हमें स्टॉक में जल्दी ही अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए। इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 173 से लेके ऑलमोस्ट 177 का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे की सारी डील आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस इसकी लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड एंड इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक अंडर प्राइस्ड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है एज पर टिकर टेप वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 32,087 CR का देखने को मिलता है, मॉडरेट रिस्क हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 20 एनालिस्ट हमें यहाँ पे 55% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी स्टॉक में और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। पीयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में इसका कंपटीशन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्राइस कंपैरिजन की तो अंडर परफॉर्मर अभी भी यहाँ पे हमें जो है बैंक देखने को मिल रही है। अगर ICICI बैंक के रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न हमें ICICI बैंक में देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने वीडियोस को वॉच नहीं किए तो वीडियोस को जरूर वॉच करिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।